हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी एडमिशंस यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विलियम केरी यूनिवर्सिटी शिलोंग के बारे में इस यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स एंड कोर्सेस क्या इस यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन होता है या नहीं टॉपिक्स पे तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स ये है विलियम केरी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि www.williamkerryuniversity.ac.in डब, डब्ल्यू 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 डॉट विलियम केरी यूनिवर्सिटी डॉट ए सी डॉट इन तो ये यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश टू थाउजेंड तो तो तौ तौ फाइव की है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है मेघालय स्टेट शिलोंग में और हम देखेंगे इस यूनिवर्सिटीज के केसेस के बारे में तो यहाँ पे हम देखेंगे यूनिवर्सिटी किस किस कोर्सेस ऑफर करती है तो यहां पे एडमिशंस में आप एडमिशन डिटेल्स 2020-21 इस ट्वेंटी इसपे क्लिक कीजिए तो यहां पे एडमिशन एलिजिबिलिटी क्रिटीरिया यहां पे क्लिक कीजिए तो फ्रेंड्स विलियम केरी यूनिवर्सिटी कोर्सेस के बारे में हम जानते हैं तो देखिए विलियम केरी यूनिवर्सिटी इनके वेबसाइट के मुताबिक ये ये कोर्सेस को 2020-21 में एडमिशन लेने के लिए उनके वेबसाइट पे डाल रखा है तो देखिए हम तो देखते हैं क्या क्या कोर्सेस इनके पास अवेलेबल है सो देखिए डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी Diploma in Hotel Management. Diploma in Fashion Interior Designing. Diploma in Animation. Diploma in Engineering and Technology. Diploma in Accounting Investment Taxation. Diploma in Guidance and Counseling. Diploma in Computer Application. Diploma in Pharmacy. Postgraduate Diploma in Computer Application. Postgraduate Diploma in Fashion Interior Textile Designing. और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पीस कॉन्फ्लिक्ट और बैचलर्स में इनके पास है बीए, बीकॉम, बीएससी इन प्योर साइंस बीएससी इन एग्रीकल्चर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस बीएससी इन आईटी, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए, बीएससी फायर एंड सेफ्टी BSc hotel management BSc in fashion tech fashion interior textile designing or bachelor in fine arts BSc in animation bachelor of social work bachelor of business administration BBA or bachelor of technology BTech in computer science IT और मास्टर्स में है एम इन स्टैटिस्टिक्स एम इन फ़िज़िक्स एम इन केमिस्ट्री एम इन मैथमेटिक्स, एम इन बायोटेक्नोलॉजी एम इन माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी एम इन बॉटनी एम इन जोआलॉजी एम इन एनवेमेंटल साइंस और एम इन एग्रीकल्चर एम इन कंप्यूटर साइंस एंड एम एस सी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एम सी ए और एम एस सी इन एनिमेशन एम एस सी इन होटल मैनेजमेंट एम एस सी इन फैशन डिज़ाइनिंग एम एस सी इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग एम एस सी इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एम एस मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी कि एम ए इन पोलिटिकल साइंस एम ए इन हिस्ट्री एम ए इन एक्नॉमिक्स और है एम ए इन जियोग्राफी एम ए इन सोशियोलॉजी एम ए इन इंग्लिश एम ए इन एजुकेशन एम ए इन फिलोसफी एम ए इन साइकोलॉजी एम ए इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एम ए इन रूरल डेवलपमेंट एम ए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम ए इन फाइन आर्ट्स एम कॉम मास्टर ऑफ सोशल वर्कर एम एस डब्ल्यू और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एम बी ए और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एम टेक इन कंप्यूटर साइंस आई टी एंड पी एच डी एज पर यूजीसी नॉर्म्स एंड एम फिल कोर्स सो ये यूनिवर्सिटी ये, ये कोर्सेस रेगुलर में ऑफर करती है ठीक है फ्रेंड्स तो अब हम देखेंगे इसका विलियम केरी यूनिवर्सिटी का यूजीसी अप्रूवल यूजीसी के साइट पे हम चेक करेंगे हालांकि इन्होंने इनके वेबसाइट पे भी दे रखा है तो हम पहले देखेंगे इसको भी तो यहां पे विलियम केरी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे यहां पे देखिए आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यूजीसी लेटर दे रखा है यहाँ पे तो इसको आप क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पे ये यूजीसी लेटर दे रखा है इनको 27 February 2012 ठीक है तो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं टू द रजिस्ट्रार विलियम केरी यूनिवर्सिटी मेघालय विद रिफरेंस टू स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर एल एल ब्रैकेट में बी 11 बाई टू by 50 dated 13th July 2005. On the above subject, I am directed to say that William Carey University Shillong has been established by an act number 13 of 2005. William Carey University Act 2005 of State Legislature of Meghalaya as a state private university and is empowered to award degrees as specified by the UGC under section 22 of the UGC act 1956 through its main campus with the approval of statutory bodies councils whenever required Iska matlab, William Carey University jo hai, मेघालय स्टेट गवर्नमेंट गजेट के नोटिफिकेशन जो यहाँ पे लेटर नंबर दिया है थर्टीन जुलाई टू थाउजेंड फाइव को इस्टब्लिश्ड सॉरी पास किया गया है और विलियम केरी यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के तहत यूनिवर्सिटी इस्टाब्लिश की गई है तो ये यूनिवर्सिटी जो है अंडर सेक्शन 22 ऑफ यूजीसी एक्ट के अंडर आएगी जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेघालय की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है विलियम केरी यूनिवर्सिटी और इस यूनिवर्सिटी को डिग्री अवार्ड करने का अप्रूवल है कर सकती है थ्रू इट्स मेन कैंपस विद द अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज उंसिल्स वेन एवर रिक्वायर्ड इसका मतलब है ये यूनिवर्सिटी ओनली रेगुलर कोर्स उसके मेन कैंपस से ही करवा सकती है इवेन किसी कॉलेज को अफिलियटेड भी नहीं कर सकती है यूनिवर्सिटी तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू यूजीसी लेटर विलियम केरी यूनिवर्सिटी यू जी है और मेघालय की स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये रेगुलर कोर्सेस कर सकती है रेगुलर कोर्सेस कंडक्ट कर सकती है और ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेस कंडक्ट नहीं कर सकती है क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो अप्रूवल नहीं दी गई है सो so, कोई भी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेस करने के लिए उसको यूजीसी एंड डीईबी यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूवल कोर्स वाइज लेना जरूरी होता है नेक्स्ट कीपिंग इन व्यू ऑफ दबाउट यू आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर ऑन दॉलोइंग नो ऑफ कैंपस सेंटर इज ओपनड बाई यूअर यूनिवर्सिटी आउटसाइड द टेरिटोरियल जुडिडिक्शन ऑफ द स्टेट इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनकेस ऑफे प्रोफेसर यश पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ यानि की ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस ऑफ कैंपस सेंटर और स्टडी सेंटर आउट ऑफ स्टेट नहीं ओपन कर सकती है इवन स्टेट में भी नहीं कर सकती फॉर एग्जाम्पल ये यूनिवर्सिटी है मेघालय की अगर ये यूनिवर्सिटी सेंटर असम में करना चाहती है या कहीं और करना चाहती है तो वो वैलिड नहीं होगा और पॉइंट नंबर थर्ड में हम देख रहे हैं यहाँ पे द यूनिवर्सिटी शल नॉट हैव एनी अफिलियटेड कॉलेजेस यानी कि ये यूनिवर्सिटी के अंडर कोई अफिलियटेड कॉलेजेस नहीं क्रिएट कर सकती है और नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे द यूनिवर्सिटी हैज़ टू फॉलो यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ़ एम फिल पी एच डी डिग्री रेगुलेशन टू थाउजेंड कि अगर कोई इस यूनिवर्सिटी से एम फिल करता है या यूनिवर्सिटी करवा रही है तो यू के मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स टू अवार्ड एम फिल पी एच डी डिग्री रेगुलेशन टू थाउजेंड नाइन के मुताबिक ही वो लोग एडमिशन लेना है तो ये यूजीसी के लेटर जो है इनके वेबसाइट पे हम देखा है अब हम देखेंगे यूजीसी के ऑफिशियल साइट पे हम कैसा चेक करेंगे विलियम केरी यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं ठीक है थीके? तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको डब्ल्यू में आप विजिट कीजिए और यहाँ पे देखिए आपको यूनिवर्सिटीज दिख रहा है यहाँ पे आप कर्जर लगाइए तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा यहाँ पे स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक न्यू विंडो ओपन होगा तो यहाँ पे आप मेघालय है विलियम केरी यूनिवर्सिटी शिलोंग में है तो मेघालय स्टेट में आएगा तो यहाँ पे मेघालय को आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी मेघालय में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसका लिस्ट यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे विलियम केरी यूनिवर्सिटी का नाम कहाँ पे तो देखिए यहाँ पे एथ नंबर पे हम देख सकते हैं विलियम केरी यूनिवर्सिटी उनका ऑफिशियल वेबसाइट विलियम केरी यूनिवर्सिटी डॉट ए सी डॉट इन ठीक है तो एस्टेब्लिश हुआ है थर्टीन सेवन टू थाउजेंड फाइव और इन्होंने यूजीसी इंस्पेक्शन के लिए भी अप्लाई किया है सेवनटीन फाइव टू थाउजेंड नाइनटीन में ठीक है फ्रेंड्स तो इससे ये पता चलेगा कि विलियम केरी यूनिवर्सिटी यूजीसी में लिस्टेड है ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूजीसी वालों ने एक पैरा दिया है यहाँ पे मैं रीड करके बताऊंगा आपको कि दिस यूनिवर्सिटीज आर कॉम्पिटेंट टू अवार्ड डिग्रीज एज स्पेसिफाइड बाय यूजीसी अंडर सेक्शन ट्वेंटी ऑफ द यू एक्ट विद द अप्रूवल ऑफ दुट्री काउंसिल्स सो so, इसका मतलब क्या है ये यूनिवर्सिटी रेगुलर कोर्सेस करवा सकती है इनको फुल पावर है डिग्रीज अवार्ड करने की थ्रू इट्स मेन कैंपस और विथ अप्रूवल ऑफ स्टैटरी काउंसिल्स इसका मतलब है जैसा कि मान लो कुछ कोर्सेस होते हैं उनका काउंसिल का अप्रूवल होना मैंडेटरी होता है लाइक एल एल बी एल एल बी करने के लिए बार काउंसिल का अप्रूवल होना जरूरी है यानी कि विलियम केयर यूनिवर्सिटी को बार काउंसिल अप्रूवल नहीं है तो ये एल नहीं करा सकती है तो ऐसा होता है जैसा कि जैसा कि बी हो गया बी को एन अप्रूव होना ज़रूरी है और फार्मेसी हो गया डी फार्मेसी का सो डी फार्मेसी का तो अप्रूवल इनको मिला है तो ये विलियम केयर यूनिवर्सिटी डी फार्मेसी कोर्स कंडक्ट करा सकती है 2021 सेशन से सो यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनका डी फार्मेसी का अप्रूवल यहां पे देखिए आप डी फार्म अप्रूवल 2021 इनको मिला है डी फार्मेसी का अप्रूवल तो देखिए यहां पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया डिसीजन लेटर विलियम केरी यूनिवर्सिटी मेघालय तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विद रिफरेंस टू दी सब्जेक्ट साइटेड अबाव आई एम डायरेक्टेड टू कन्वे अप्रूवल ऑफ पी सी एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स कोर्स इनको डी फार्मा का अप्रूवल मिला है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर कंडक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर फॉर सिक्सटी फॉर डी फार्मा रिगार्डिंग डी फार्मा कोर्स सो so इनको सिक्सटी सीट्स का अप्रूवल मिला है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए तो ये यूनिवर्सिटी डी फार्मा कोर्स करा सकती है फ्रेंड्स so मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि ये टेरिटोरियल जुडिडिक्शन का मतलब क्या है देखिए फ्रेंड्स टेरिटोरियल जुडिटिक्शन जो है ये केवल यूनिवर्सिटी को ही अप्लीकेबल होती है मतलब जैसा कि मैंने कहा यूनिवर्सिटी मेघालय में है तो ये इवन असम में भी कोई स्टडी सेंटर या कोई ऑफ कैंपस सेंटर एस्टैब्लिश्ड करके एडमिशन नहीं ले सकती है तो टेरिटोरियल जूस मतलब ये होता है लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं कि मान लो आसाम का बच्चा मेघालय में एडमिशन नहीं ले सकता है या दिल्ली का बच्चा मेघालय में एडमिशन नहीं ले सकता है तो ऐसा नहीं होता है ऑल ओवर इंडिया में से कोई भी स्टूडेंट कहीं भी एडमिशन ले सकता है विलियम केरी यूनिवर्सिटी में ही नहीं ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट कोई भी कहीं भी एडमिशन ले सकता है बट यूनिवर्सिटी में इन कैंपस में कोई भी स्टूडेंट एडमिशन लेके कोर्स कंप्लीट कर सकता है तो फ्रेंड्स अगर आप विलियम केरी यूनिवर्सिटी शिलोंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको विलियम केरी यूनिवर्सिटी से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई है अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस आपको मिलते रहे जय हिंद